केलॉइड स्किन डिजीज़ के बारे में, कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें केलॉइड स्किन की डिजीज़ पाई जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आपको केलॉइड स्किन की डिजीज़ है। तो केलॉइड होता कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको चोट लग जाती है या फिर कोई भी इंजरी हो जाती है, तो वहाँ की जो स्किन में जो घाव होता है वो भर जाता है। जब घाव भर जाता है तो जहाँ भी आपको इंजरी हुई है वहाँ का जो घाव भर गया, घाव भरने के बाद वहाँ की जो स्किन है ओवर ग्रोथ हो जाती है, मतलब वहाँ की स्किन बढ़ जाती है। जैसे आपने लाइपोमा देखा होगा उसी टाइप की स्किन बढ़ जाती है, इसे हम केलॉइड बोलते हैं। केलॉइड होने के क्या रीज़न होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मोस्ट जो रीज़न देखा जाता है, इंजुरी आपको कहीं भी हुई हो, किसी भी कारण आपको इंजुरी हुई हो तो आपकी स्किन में केलॉइड देखने को मिलेगा। जिनकी सर्जरी हुई रहती है, डिलीवरी के बाद कई लोगों को केलॉइड देखने को मिलता है, कई लोग की लंबर स्पाइन की सर्जरी होती है तो उनको केलॉइड देखने को मिलता है, या कोई अदर सर्जरी होती है, किसी भी टाइप की सर्जरी हो तो वहाँ पे आपको केलॉइड देखने को मिलता है। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको एक्ने पिंपल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी उनके फेस में केलॉइड देखने को मिलता है। पेशेंट रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक रहता है टैटू बनवाने का, हाथ में या फिर गर्दन में या बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो ऐसे पेशेंट में भी केलॉइड देखने को मिलता है। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जो अचानक से जल जाते हैं, जलने का रीज़न कोई भी हो सकता है, आपके ऊपर गलती से पानी गिर सकता है, दूध गिर सकता है, या किसी और रीज़न से आप जल गए हो तो वहाँ पे एक घाव बन जाता है। जब वो घाव धीरे धीरे करके भरता है तो वो एक केलॉइड का रूप ले लेता है घाव भरने के बाद, वहाँ जहाँ घाव है वहाँ की स्किन बढ़ जाती है। तो एक ये भी रीज़न देखा जाता है, बर्निंग जिनको हो जाती है, मतलब जो जल जाते हैं, ऐसे पेशेंट में भी केलॉइड देखा जाता है। पेशेंट रहते हैं जिनको चिकन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स कभी भी हो सकता है और किसी एज में भी हो सकता है, तो ऐसे पेशेंटों में भी देखा जाता है कि उनको केलॉइड हो जाता है। आपकी बॉडी में केलॉइड अधिकतर फेस में देखा जाता है, आपकी बॉडी के किसी पार्ट में देखा जा सकता है, जहाँ पे आपको इंजरी हुई है, जहाँ पे आपको सर्जरी हुई है वहाँ भी देखा जा सकता है, आपके कान के पीछे देखा जा सकता है। इस प्रकार से आपके बॉडी के अन्य पार्ट में केलॉइड देखा जाता है। इसको ठीक होने में टाइम लगता है क्योंकि स्किन की ओवर ग्रोथ होती है, टिश्यू की ओवर ग्रोथ होती है, तो इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये परमानेंट ठीक हो जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके केलॉइड को ठीक करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है। जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी है थूजा आपको लेना है, 200 पोटेंसी में वीकली लेना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है। जैसे आप संडे को ले रहे हैं तो नेक्स्ट संडे को ही लीजिएगा 2 ड्रॉप। जो नेक्स्ट मेडिसिन आपको लेनी है कॉस्टिकम भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है, और आप थूजा ले रहे हैं तो उसके आधे घंटे बाद कॉस्टिकम ले लीजिएगा, और इसको भी वीकली लेना है 200 पोटेंसी। नेक्स्ट मेडिसिन आपको लेनी है थियोसिनामिनम, इसको लेना है आपको 6x में, ये टैबलेट फॉर्म में है, और 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है और कंटिन्यू रखना है इस मेडिसिन को रेगुलर आपको खाना है। ये मेडिसिन आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको जो केलॉइड हो गया है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन केलॉइड को ठीक होने में टाइम लगता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं केलॉइड के लिए, ये मैंने आपको सिर्फ जनरल मेडिसिन ही बताई। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।